आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे नदीम श्रवण और सोनू निगम के सुपरहिट सफर की। इस जोड़ी की शुरुआत हुई थी 94 माई फिल्म स्टंट मैन से। इस फिल्म में एक ही गाना गाया था, गाने के बोल थे ये आंखें हैं आईना। इसके बाद 95 में फिल्म आई थी गद्दार। इस फिल्म में भी एक ही गाना सोनू निगम ने गाया था, गाने के बोल थे आजकल की नहीं। इसके बाद 95 में फिल्म आई थी बरसात। इस फिल्म में पहला हिट गाना था एक हसीन लड़की से हो गया है मुझे प्यार। इस फिल्म का अगला गाना था इश्क में एक पल की भी जुदाई। और इस फिल्म का आखिरी गाना था दिल पागल दीवाना है ये प्यार करेगा। उसके बाद 96 में फिल्म आई थी अग्निसाक्षी। इस फिल्म में भी एक ही गाना था, गाने के बोलते मेरे कलेजे से। इसके बाद 96 में फिल्म आई थी जीत। इस फिल्म में भी सोनू निगम ने एक ही गाना गाया था, गाने के बोलते अभी सांस लेने की फुर्सत नहीं है। इसके बाद 96 में फिल्म आई हिम्मतवर। इस फिल्म में भी एक ही गाना था, गाने के बोलते हमें आपसे मिलके। इसके बाद 97 में फिल्म आई थी मोहब्बत। इस फिल्म में भी एक ही गाना गाया था, गाने के बोलते आई ना बता कैसे उनका दिल चुराना है। इसके बाद 97 में फिल्म आई परदेश। इस फिल्म में भी एक ही गाना था, गाने के बोलते ये दिल दीवाना। इसके बाद 98 में फिल्म आई महाराजा। इस फिल्म का पहला गाना था जब तुम आ जाते हो सामने। और इस फिल्म का अगला गाना था ठहरो तो सही सोचो तो जरा। और इस फिल्म का आखिरी गाना था हाय अजनबी। उसके बाद 99 में फिल्म आई थी आ अब लौट चले। इस फिल्म में भी एक ही गाना गाया था, गाने के बोलते हैं ओ यारो माफ करना। उसके बाद 2000 में फिल्म आई थी धड़कन। इस फिल्म में भी एक ही गाना गाया था, गाने के बोलते दिल ने ये कहा है दिल से। इसके बाद 2001 में फिल्म आई थी हम हो गए आपके। इस फिल्म में भी एक ही गाना गाया था, गाने के बोलते इश्क है क्या। इसके बाद 2001 में फिल्म आई थी ये दिल आशिकाना। इस फिल्म में भी एक ही गाना गाया था, गाने के बोलते अल्लाह अल्लाह। इसके बाद 2002 में फिल्म आई थी अंश। इस फिल्म में भी एक ही गाना था, गाने के बोलते मासूम चेहरे की। इसके बाद 2002 में फिल्म आई थी तुमसे अच्छा कौन है। इस फिल्म का पहला गाना था दिल गया मेरा दिल गया। इस फिल्म का अगला गाना था ये उन दिनों की बात है। इस फिल्म का अगला गाना था दूर वादियों से। और इस फिल्म का आखिरी गाना था जो जाम से पीता हूं तो उतर जाती है। इसके बाद 2002 में फिल्म आई थी हम तुम्हारे हैं सनम। इस फिल्म का पहला गाना था खोए खोए दिन है तन्हा तन्हा रात है। इस फिल्म का अगला गाना है सब कुछ भुला दिया। इस फिल्म का अगला गाना था हाँ हम तुम्हारे हैं सनम। इस फिल्म का अगला गाना था ना 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 ना। इस फिल्म का अगला गाना था दिल तोड़ आया। इसके बाद 2002 में फिल्म आई थी दिल है तुम्हारा। इस फिल्म में एक ही गाना था, गाने के बोलते ओ साहिबा। इस फिल्म का दूसरा गाना था चाहे जुबान। के बाद 2002 में फिल्म आई थी जीना सिर्फ मेरे लिए। इस फिल्म में भी एक ही गाना था, गाने के बोलते मुझको मिल गया मेरा प्यार अल्लाह। इसके बाद 2003 में फिल्म आई थी ये दिल। इस फिल्म में पहला गाना था कॉलेज में। और इस फिल्म का दूसरा गाना था तेरा दिल भर तेरा साथ। इसके बाद 2003 में फिल्म आई थी अंदाज। इस फिल्म का पहला गाना था अल्लाह करे दिल ना लगे। और इस फिल्म का दूसरा गाना था रब्बा इश्क ना होवे। इसके बाद 2003 में फिल्म आई थी कयामत। इस फिल्म का टाइटल ट्रैक सोनू निगम ने गाया था कयामत। इसके बाद 2003 में ही फिल्म आई थी हंगामा। इस फिल्म में एक ही गाना गाया था, गाने के बोलते हम नहीं तेरे दुश्मनों में। इसके बाद 2004 में फिल्म आई थी शीन। इस फिल्म में भी एक ही गाना गाया था, गाने के बोलते ओ सनम पिया वेरी। इसके बाद 2004 में फिल्म आई थी तुम सा नहीं देखा। इस फिल्म में भी एक ही गाना था, गाने के बोलते तन्हाई। इसके बाद 2004 में फिल्म आई थी बेवफा। इस फिल्म में टाइटल ट्रैक सोनू निगम ने गाया था, गाने के बोलते एक बेवफा है। इसके बाद 2005 में फिल्म आई थी बरसात। इस फिल्म में भी एक ही गाना था, गाने के बोलते प्यार आया। इसके बाद 2005 में फिल्म आई थी दोस्ती। इस फिल्म का पहला गाना था ये दोस्ती तेरे दम से है। और इस फिल्म का अगला गाना था और तुम आए। और इस फिल्म का आखिरी गाना था यार दी शादी। इसके बाद 2006 में फिल्म आई थी मेरे जीवन साथी। इस फिल्म का पहला गाना था मेरे जीवन साथी। और इस फिल्म का दूसरा गाना था एक मासूम सा चेहरा। इसके बाद 2009 में फिल्म आई थी डू नॉट डिस्टर्ब। इस फिल्म में एक ही गाना था, गाने के बोलते जुल्फे खोल खाल के। और आखिरी बार जोड़ी ने 2016 में फिल्म इश्क फॉरएवर में साथ काम किया था। इस फिल्म में दो गाने सोनू निगम ने गाए थे, पहला गाना था इश्क की बारिश और इस फिल्म का दूसरा गाना था हैप्पी बर्थडे। तो दोस्तों ये था नदीम श्रवण और सोनू निगम का सुपरहिट सफर। आप लोगों को कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताएं।